जैसे बारिश में इंसान भीगता है, ऐसे भजनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से इंसान की मतलब आत्मा भी तृप्त होती है। कहते ना, किसी तुमको देखा तो ऐसा लगा जैसे प्यासे ने बहुत समय बाद पानी पिया हो, ऐसी फीलिंग आती है भजन गाते वक्त। से शुरू किया आपने भजन गाना? ये तो बचपन से ही मम्मी के संस्कार थे, पिताजी के संस्कार थे, तो उनको मतलब नदी किनारे रहने वालों को तैरना सीखना नहीं पड़ता, विरासत में ही मिल जाता है। ये माता पिता का आशीर्वाद था जो हल्का सा टूटी फूटी पानी से भगवान को रिझाने की कोशिश की जाती है। सुनाइए, एक भजन सुना दीजिए। आपकी सेवा में एक कृष्ण भजन और गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे। Krishna, Krishna, Hare Hare.
मुझे कई जगह सौभाग्य मिला। अभी होली पे भी वृंदावन में हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले होली के उपलक्ष में वृंदावन धाम में शीतल छाया में मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भजन गुनगुनाने का। और कोई कहीं भी प्यार से बुला लेता है तो मेरी तरफ से 365 दिन 24 घंटे निष्काम सेवा है। मेरा अगर मेरे अथक प्रयासों से कोई एक भी अगर अपने जीते जी किसी एक को भी मतलब भगवान की तरफ मुख मोड़ दिया तो शायद मेरे जीवन की सफलता होगी। बहुत श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले है तो